चाहे आप एक लॉन्ग क्रिएटर हैं या तो फिर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, तो इस वीडियो को जो आप कंप्लीट जो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूट्यूब जो है एक झटके में ही, चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो, आपके चैनल को जो है यूट्यूब जो है एक झटके में ही जो है वो डिलीट कर दे रहा है। तो दोस्तों यूट्यूब जो है वो किस तरीके से जो है लोगों का चैनल जो है वो डिलीट कर रहा है, सबसे पहले जो है मैं आपको उसका लाइव प्रूफ जो है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जो एक स्क्रीनशॉट जो है वो देख सकते हैं, जिनके चैनल का नाम है गीता मीता। और दोस्तों अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो 6 लाख से भी ज़्यादा जो है इनके चैनल पर जो है वो सब्सक्राइबर हैं, और इनका जो चैनल है यूट्यूब ने जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया है, जबकि इन्होंने जो है वो कोई भी गलती जो है वो नहीं की है। जो भी कंटेंट है इस चैनल पर वो जो है इनका खुद का है, इन्होंने जो है वो किसी का भी कॉपी नहीं किया, इन्होंने जो है वो खुद का जो है वो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर, कोई भी गलती नहीं की, फिर भी जो है यूट्यूब ने जो इनका जो चैनल है वो यूट्यूब से जो है वो डिलीट कर दिया है। और दोस्तों इस चैनल की अगर अर्निंग की बात करें तो इनके जो चैनल का जो अर्निंग है वो यहाँ पर $1,000 से लेके $1,500 तक जो है वो हो रहा था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो चैनल है वो यूट्यूब ने जो है वो क्यों डिलीट किया बिना किसी गलती के। तो दोस्तों यूट्यूब ने जो इनका चैनल जो है वो डिलीट किया है वो क्या है, रिपीट कंटेंट की वजह से। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिपीट कंटेंट जो इनके चैनल पर जो है वो क्यों आया और किस वजह से जो है वो रिपीट कंटेंट जो है वो आया है, ताकि अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो आप जो है अभी से जो अपनी गलती को जो है वो सुधार सकें। तो दोस्तों आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इससे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर दोस्तों आप जो है वीडियो जब अपलोड करते हैं अगर वहां पर कुछ गलतियां करते हैं तो उसमें जो है दोस्तों यूट्यूब की तरफ से जो है आपको रिपीट कंटेंट जो है वो आ जाएगा और आपका जो चैनल है वो बिना मेल किए जो है यूट्यूब जो यहाँ पर डिलीट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम सबसे पहले गलती की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको जो है कभी भी अपने वीडियो में जो है एक जैसा जो है वो टाइटल जो है वो नहीं देना है, और एक जैसा जो है आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो कभी भी नहीं लिखना है, यानी कि आपके हर एक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग होना चाहिए और आपके हर एक वीडियो का जो टाइटल है वो अलग होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलती हुआ है यही गलती हुआ है कि जब भी ये शॉर्ट वीडियो अपलोड करती थी तो यहाँ पर जो है ये जो है शॉर्ट में जो है एक ही कीवर्ड जो है वो लिखते जा रहे थे, जैसे कि हैशटैग शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट, इस तरीके के जो है ये कीवर्ड जो है वो हर एक वीडियो में जो है वो लिखती थी, यानी कि एक जैसा ही जो इन्होंने जो है वो कीवर्ड लिखा। यहाँ पर जो इन्होंने अपने वीडियो में जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैग का यूज किया है, यहाँ पर जो है टाइटल का जो है वो यूज नहीं किया। जैसे कि हम किसी भी सॉन्ग पर जो है वो गाना बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने एक वीडियो बनाया ये दिल आशिकाना पे, और मुझे जो टाइटल इसका देना है वो देना है ये दिल आशिकाना, और उसके बाद जो है दोस्तों हमें जो है वो हैशटैग लगाना है। तो हमें जो हैशटैग लगाना है किस तरीके से लगाना है, जैसे कि मान लीजिए हमने जो एक ही गाने पर जो है वो 3-4 वीडियो बनाया, तो हम जो यहाँ पर दोस्तों वो टाइटल जो है वो अलग अलग जो है वो रख सकते हैं, और यहाँ पर जो हमें हैशटैग लगाना है जैसे कि शॉर्ट, शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट, इस तरीके का जो वो हैशटैग लगाना है। तो दोस्तों जो हैशटैग है उसे जो आपको जो है वो चेंज करते रहना है, कभी जो है यूट्यूब शॉर्ट ऊपर में लिख दीजिए, कभी जो है वो यूट्यूब शॉर्ट जो है वो नीचे में लिख दीजिए, इस तरीके से आपको जो है वो बदल बदल के जो है वो लिखना है, नहीं तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको YouTube जो है वो रिपीट कंटेंट जो है वो दे देगा और आपका जो चैनल है वो YouTube से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो डिलीट कर देगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर जो है मैं अभी जो है वो काम कर रहा हूँ, यानी कि इनका जो चैनल है YouTube ने जो है वो डिलीट किया है, तो इस चैनल को जो है मैं इनको वापस ला के जो है वो दूंगा, वो भी 100% फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि YouTube ने जो इनका चैनल जो है वो रिपीट कंटेंट की वजह से जो वो डिलीट किया है, तो YouTube को जो है इनके चैनल को जो है वो दोबारा देना पड़ेगा, और इस पर जो है मैं काम कर रहा हूँ, और जैसे इनका चैनल जो वापस आ जाता है तो मैं जो है उस टॉपिक पर भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि मैंने जो है यूट्यूब से जो है डिलीट हुआ चैनल जो है मैंने वापस जो है वो कैसे लिया। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए जो है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।